एमपी में अफसरशाही पर नकेल कसना शुरू हुआ। उसके बाद देवास के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता चौपाल लगाए नजर आए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की और उनकी समस्याओं का निराकरण करवाया। शाहजहांपुर के बदमिजाज कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाए जाने के बाद अफसरों की कार्यप्रणाली में बदलाव देखने को मिल रहा है। देवास जिले के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ग्राम पंचायत बड़ौदा माफी व ग्राम पंचायत भामर के डाबर गांव में पहुंचे और चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने जनसंवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। इस दौरान नल जल योजना वाले पाइपलाइन कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही। कलेक्टर गुप्ता ने बताया जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई हैं, जिसमें टंचिंग ग्राउंड, पुनर्वास की समस्या, पीएचई की समस्या के साथ हेल्थ की समस्या के मुद्दे भी सामने आए। इन सभी मुद्दों को नोट किया गया है और इनका जल्द समाधान किया जाएगा। आज बेसिकली जो हमारे रेगुलर दौरे रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसी संदर्भ में आज बड़ौदा में दौरा था। इसमें चुनाव के समय भी कुछ पॉइंट्स निकल कर आए थे, जैसे कि यहाँ के पुनर्वास की समस्याएं हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड्स की समस्याएं हैं, इसके अलावा यहाँ के पीएचई का काम काफ़ी स्लो है। आज ग्रामीण जनों से बात की इन सभी मुद्दों पे, तो इन सभी मुद्दों के अलावा कुछ हेल्थ के इश्यूज भी निकल के आए हैं, कुछ खाद्यान्न की समस्याओं के बारे में भी इश्यूज निकल के आए हैं। ये सारे इश्यूज नोट किए गए हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के इश्यूज हैं, सबको ये भेजे जाएंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो समस्याएं हमारी ज़िले के लेवल पे हल होने वाली हैं, वो तो एक से दो माह के अंदर ही हम हल करेंगे। जो समस्याएं प्रदेश स्तर की हो गई है, जैसे कि सड़क की बड़ी नाली की बात हुई है, या फिर पीएमजीएसवाई की बात हुई है, या फिर पुनर्वास के इश्यूज की बात हुई है, उसके लिए जो हमारे विभाग हैं उनको अवगत कराएंगे और प्रयास करेंगे कि उन समस्याओं का भी जल्द से जल्द हल हो सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।